डरता कौन है? वाह बिजली रानी वाह, क्या टांग है तेरी भी, फटाफट ऐसे चलाती है जैसे शोले में हेमामालिनी टांगा चलाती थी। ए, फालतू बात नहीं, चल चल डब्बा उठा चल। ए, अंधा हो गया है क्या? दिखाई नहीं देता, सड़क के बीच पे खड़े होकर भांगड़ा कर रहा है। माफी चाहता हूँ बहन जी, वो साइकिल वाले की वजह से मैं थोड़ा हड़बड़ा गया ना। चल हट, आ जाते हैं पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से। अरे हट, चंदनपुर का रास्ता कहाँ है? चंदनपुर जी, चंदनपुर किसके घर जाना है? ठाकुर अर्जुन सिंह के घर। ओ, उनके घर। चल चल जल्दी लपक के बैठ जा, मैं पहुँचा देती हूँ। चल, थैंक यू वेरी मच। आप सचमुच की देवी हैं, नारियल देवी हैं आप। नारियल देवी? हाँ, ऊपर से कड़क अंदर से नरम। कुछ भी कहो, तुम शहर वाले मक्खन लगाने में बहुत उस्ताद हो। नहीं नहीं, मैं मक्खन मक्खन नहीं लगा रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, आप बहुत अच्छी। हाँ तो यही बात आप उनको भी समझा दो ना। किनको? वही जिनका नाम लेते हुए मुझे शर्म आती है। आप मेरा नाम लेते हुए क्यों शर्माती हैं? अरे घोचू, मैं तेरी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो उनकी बात कर रही हूँ जिनके घर तू जा रहा है। ओ, ठाकुर अर्जुन सिंह ना। अरे अरे बाप रे, छोटे ठाकुर आ गए। ए दादा मौसी, अंदर कौन चीख रही है? छोटे ठाकुर, कुंदन की घर वाली को बच्चा होने वाला है, उसकी औरत दर्द से तड़प रही है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, और ये मुआ न जाने कहां मर गया। मेरी बात मानो और फौरन अपने घर चले जाओ, गांव वालों को पता चल गया तो हम दोनों के मुंह पर थूकेंगे। किसकी मजाल है जो कुंदन के मुंह पर थूके? हा? कौन है? आज साला ये पीटेगा मुझसे। हाँ छोटे ठाकुर आप। तू पीटेगा मुझे? हाँ पीट। नहीं पीट नहीं, गलती हो गई छोटे ठाकुर, गलती हो गई। वहां तेरी घरवाली दर्द से तड़प रही है और तू यहां मुंह काला कर रहा है। छोटे ठाकुर माफ कर रहा, छोटे ठाकुर माफ कर रहा, छोटे ठाकुर चल उठ, मुझसे गलती हो गई, मैं सबके सामने कान पकड़ता हूँ, नाक रगड़ता हूँ, दोबारा ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जा। जी अच्छा। ए, जी इधर आ, ये पैसे ले जा, काट डालूंगा। ए छोटे ठाकुर, छोटे ठाकुर, चल चल उतर। क्या है, क्यों फटे बांस की तरह चिल्ला रही है? अरे सारा गांव कहता है कि मेरी आवाज कोयल की तरह है, एक तू ही है। हाँ कोयल जैसी है,
लेकिन शक्ल से। क्या मैं इतनी काली हूँ? ए शहरी बाबू, तू ही बोल, मैं क्या इतनी काली हूँ? ये कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। तू भी थाली का बैंगन निकला। ए, ये तेरा मेहमान है, मैं तो चली। कौन हो तुम? मेरा नाम राजकुमार है, लोग मुझे प्यार से राजू कहते हैं। और नफरत से? जी जी, मैं फैजाबाद से आया हूँ, चंद्रभान जी का बेटा हूँ। अच्छा, तो तुम सरला मौसी के बेटे हो? जी। शायद तुम्हारे पिताजी ये भूल गए कि उन्होंने मेरी माँ के साथ क्या सलूक किया था। अपने रिश्ते का दरवाजा हमारे मुंह पर बंद कर दिया था, अब दरवाजा खटखटाने के लिए तुम्हें क्यों भेज दिया है? अब आप चाहे जितना भी भला बुरा कहें, उन्हें सुनाई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। ओब। 2 साल पहले पिताजी गुजर गए। मेरी पढ़ाई के लिए माँ इंसान से मशीन बन गई। मैंने डिग्री तो पाली मगर नौकरी ना हासिल कर सका। मरते वक्त माँ ने आपके बारे में बताया, इसलिए 2 वक्त की रोटी पाने के लिए यहाँ चला आया। सल्ला मौसी मेरी माँ की सहेली नहीं, बहन से भी ज्यादा थी, इसलिए उनकी अंतिम इच्छा मैं टाल नहीं सकता। तुम यहां रहकर हमारे खेतों में काम कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करोगे, कोई सवाल नहीं करोगे। ये पड़ोस की घर की तरह आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। नहीं, काट डालूंगा। कहा ना कि कोई सवाल नहीं करना। बैठ जाओ। आया मालिक। इसका सामान लो और खाना खिला दो। जी मालिक। ओ, खाना खिलाकर डांट पिलाते, पहले ही डांट पिला दिया। हे राम, पड़ोस की घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। आखिर ये पड़ोस के घर में ऐसी क्या बात है भाई? ए, काट डालूंगा। ये आदमी है, ये कटिंग मशीन, काट डालूंगा। ये खाना क्या अपने आप चलकर आएगा? हाँ? आ गया। आप नाराज ना हो तो एक बात कहूं? कहिए। आप बहुत खूबसूरत हैं। ये बात दोबारा मत कहना वरना दोनों टांगे टूट जाएंगी। नहीं नहीं, दोनों टांगों के बगैर तो आप बहुत खराब लगेंगी। टांगे मेरी नहीं, तुम्हारी टूट जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैं छोटे ठाकुर की बहन हूँ। पार्वती, हे धनिया। जी मालिक। जाकर जीप साफ कर जाओ। चलो। इस घर में आए तुम्हें 20 साल हो गए लेकिन अभी तक गिलास पकड़ना नहीं आया। नीला कॉलेज गई? हाँ। मैंने पूछा बिटिया कॉलेज गई? जी जी, चली गई। फेल फेल फेल। अच्छा, अब तू लगा चल। नहीं लगा, नहीं लगा। तुझे तो निशाना लगाना भी नहीं आता। अच्छा, तो तू ही लगा के दिखा। अभी दिखाती हूँ। अरे मर गया रे, अरे मार डाला भाई। अरे क्या बहुत जोर की लगी? जोर की ना लगी होती तो इतनी जोर से चिल्लाता क्यों? तुम्हारे सर से तो खून निकल रहा है। मैं भगवान शंकर तो हूँ नहीं जो मेरे सर से गंगा जी निकलेंगी। रहने दीजिए, मेरे पास रुमाल है। रुमाल है तो पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपनी ओढ़नी नहीं फाड़ती। मुझे क्या मालूम था कि इस गांव की लड़कियां हिंदी फिल्मों की हीरोइनों से कम नहीं, चोट लगते ही ओढ़नी फाड़ लेती हैं। कोई मोटर रिक्शा चलाती है तो कोई गुलेल, कहीं बैंडिट क्वीन और पुतली बाई की तरह घोड़ा या बंदूक तो नहीं चलाती ना। अगर तुम वादा करो कल फिर इसी रास्ते से गुजरोगे तो बंदूक भी चलाकर दिखा दूंगी। हाय,
मरना है क्या? दोबारा इस रास्ते से नहीं गुजरूंगा, नहीं तो पता नहीं क्या क्या टूटेगा फूटेगा। भागो। माई बाप घर पर हैं? कौन है तेरा माई बाप? अरे आप सरकार और कौन? आपके आशीर्वाद के बिना तो इस गांव का हर आदमी अनाथ है। ये चिकनी चुपड़ी बातें बगल के घर में जाकर करना, या मतलब की बात करो। सरकार, गांव में धान कूटने की चक्की खोल रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ, बंद करवा दूँ उसे? अरे नहीं नहीं सरकार, गजब हो जाएगा, पूरे 1.5 लाख रुपए लगे। मैंने पूछा कितना खर्चा हुआ? माफ कीजिएगा, मैं चाहता हूँ कि उस चक्की का उद्घाटन आपके शुभ हाथों से हो। भगवान झूठ ना बुलवाए, मेरा बेटा भी यही कह रहा था कि ठाकुर साहब के हाथों में चमत्कार है, चमत्कार। कैसा है तुम्हारा बेटा, सुधर गया या अभी भी इधर उधर मुंह मारता रहता है? भगवान झूठ ना बुलवाए, वो तो बिल्कुल सुधर गया है। दिन में 3-3 दफा स्नान करके 5-5 दफा रामायण का पाठ करता है। पूरे घर को भगवान का मंदिर बना दिया है। ये चक्की उसी के लिए तो खोल रहा हूँ। चलो, तुम्हारा उद्धार हो गया। उद्धार तो आप करेंगे चक्की का उद्घाटन करके। ला बेटा। प्रणाम माताओं की माता गौ माता, आज मुझे आपका दूध धोने का हुक्म मिला है। मुझे तो दूध धोना आता नहीं है, आप ही मेरी कुछ मदद कर देना प्लीज। जय जय ओ गौ माता, तुम हो बेस्ट गौ माता, बर्तन दूध से भर दो, बर्तन दूध से भर दो। क्या हुआ? गाय ने लात मार दी। जब दूध धोना नहीं आता तो गाय के पास गाय क्यों था? सीता दीदी ने कहा था। जब सीता दीदी ने कहा था और उस्ताद दीदी खाने चले आए, मैंने तुझे खेत में काम करने को कहा था ना जी, गाय क्यों नहीं? वो मैंने सोचा काट डालूंगा। चल, लगता है मेरा राहु काल चल रहा है। पहले सर फूटा, फिर पांव टूटा, अब न जाने क्या क्या टूटने फूटने वाला है भाई। अरे बापरे, वही लड़की अब मुसली लेकर मारने आ रही है। अरे मेरी माँ, मेरी बहन, मुझे उस आफत से बचाओ। कैसे आफत? पहले पत्थर से मारा, अब मुसली से मारने आ रही है। कौन? वो राजू, छिप जा। ये लो बुआ, आपने मंगाया था ना? हाँ। ये नमूना कौन है? ये हमारी मौसी का बेटा है राजू। नीला, कहाँ से आया? अरे बापरे पिताजी, जल्दी जाओ, बड़े भैया ने देख लिया तो तूफान आ जाएगा। ओके बाय। अच्छा जी पिताजी। जरा अंदर से बंदूक साफ करने का तेल लाना बेटा। जी अभी लाए। धनिया। जी मालिक। उस कमीने के घर से आए इस कचरे को उठाकर उसी कूड़ेदान में फेंक दो। जी अच्छा मालिक। कमर दर्द हो गई। बिजली, एक बात पूछूं? पूछ। हमारे छोटे ठाकुर के पड़ोसी ठाकुर रघुवीर सिंह है ना? सनकी आदमी है क्या? ए, बड़े ठाकुर के बारे में ऐसी बात करता है? और नहीं तो क्या। अरे हमारी बेचारी मुर्गी गलती से उड़कर उनके आंगन में क्या चली गई, धड़ाम से गोली मार दी, ये कोई तरीका है? बड़ा जल्लाद किस्म का आदमी। खबरदार, जो उनके बारे में कोई उल्टी सीधी बात की तो काट डालूंगा। ये छोटे ठाकुर भी कमाल आदमी है, दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते, लेकिन उनके बारे में कुछ बोलो इनको क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि वो इनके बड़े भाई हैं। क्या? सगे भाई? सगे थे मगर अब सौतेले हो गए हैं। वो कैसे? इन दोनों के पिता ठाकुर चरण सिंह
इस इलाके के रईस और बहुत इज्जतदार आदमी थे। अचानक उनकी पत्नी यानी रघुवीर सिंह की माँ को लकवा मार गया, बस बिस्तर ही बेचारी की दुनिया बनकर रह गई। ठाकुर साहब ने ठकुराइन की देखभाल करने के लिए एक नीच जात की औरत तुलसी को अपने घर में नौकरानी रख लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन रघुवीर सिंह की माँ अपनी इस लाचारी की जिंदगी से परेशान हो गई थी। एक दिन उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी के देहांत के बाद बिन माँ के बच्चे रघुवीर सिंह के लिए ठाकुर साहब ने तुलसी से ब्याह कर लिया, और कुछ अरसे बाद तुलसी को भी दो बच्चे हुए, अर्जुन और सीता। बच्चों में बहुत ही प्यार था। अचानक तुलसी भी दुनिया छोड़कर चली गई, लेकिन रघुवीर सिंह के दिमाग में किसी ने यह बात डाल दी कि तुलसी ने अपने स्वार्थ के लिए उसकी मां को जहर दिया था। बस ये बात उसके दिल में घर कर गई और वो अपने छोटे भाई बहन से दूर होता चला गया। और ठाकुर साहब ने अपने जीते जी अपनी सारी जायदाद दोनों बेटों में बराबर बराबर बांट दी। जब दोनों में बनती नहीं तो आमने सामने रहकर क्यों अपना खून जलाते? रघुवीर सिंह तो अपना अधिकार समझकर कहीं भी जाते नहीं, और अर्जुन सिंह इसी उम्मीद पर यहाँ टिके हुए हैं कि एक दिन उनके बड़े भाई को असलियत का पता चल ही जाएगा और हम फिर एक साथ प्यार बांटकर जिएंगे। और यही प्रार्थना करने के लिए अर्जुन सिंह रोज अपने पिता की समाधि पर आता है। अरे बाप रे, इस हिटलर ने मुझे खेत पर जाने के लिए कहा था, चलता हूँ नहीं तो आज मुझे ये गांठ ही डालेगा। आयो मौसम आयो रे, रंग खुशी के लायो रे। आयो मौसम आयो रे, रंग खुशी के लायो रे। सनन सनन ओ, चले कवन ओ, हसी नाचे अंबर नाचे, धान पे यौवन आयो रे। आयो मौसम आयो रे, रंग खुशी के लायो रे। आयो मौसम आयो रे, रंग खुशी के लायो रे। अरे इतनी बुरी तरह गा रहे हो, ऐसा भी कोई गाता है क्या? हम लोग तो ऐसे ही गाते हैं। अरे गाना तो ऐसे गाना चाहिए जिसे सुनकर नशा छाने लगे, मजा आने लगे और फसलें झूमने लगे। हमें तो कोई ऐसा गाना नहीं आता है, आप ही कोई गाना सुनाइए ना। हाँ, हाँ, सुनाइए। तेरी महबूबा है अरे।
का महबूबा हो जा गाले ओए आजा 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 महबूबा से चुरा लूंगा मैं लाली कर ले चोरी कर ले भला कब तक मैं करूंगी रखवाली भर लूंगा मैं तुझको अपनी बाहों में कस कस के बाहें तेरी मिले तो सजना रह लूंगी हंस के सपनों की रानी है दीवानी मेरी महबूबा है अनजानी बड़ी मस्तानी मेरी महबूबा बल्ले 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 बगड़ा पाले हो यारा गाले ओए आजा 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 महबूबा बल्ले 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 बगड़ा पाले हो यारा गाले ओए आजा 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 महबूबा हिटलर आ गया भागो अरे अरे राजू भाग अरे बाबा अरे गए आज तो काम से छोड़ो ना अरे बाप रे गांव की लड़कियां ऐसा भी करती है क्या अरे बाप रे भागो मालिक थोड़ा पैसा चाहिए पैसा चाहिए जी हैं हां एक हफ्ते से बोल रहा है लड़की लेके आता हूं लड़की लेके आता हूं कहां है लड़की इस है? बार जरूर लेके आऊंगा मालिक फिनिश मिस्त्री जी पहले मेरा धान साफ कर दो अरे देखती नहीं कितने लोगों का धान पहले से यहाँ रखा है यहाँ रख दो शाम को आकर ले जाना ए हरिया कैसी बात करता है अरे ये मजदूर हमारे अपने हैं हम इनके काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा लेकिन मालिक चुप आओ मेरे साथ ताना अरे भाई अंदर क्यों आ रहा लड़की को चिल्ला रही अरे यहाँ कोई नहीं चिल्ला रहा है जाओ 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 बोला ना अरे बोला ना जा यहाँ से अरे अंदर से चिल्ला रहा है तू जा यहाँ से फट अरे 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 साहब जी ये क्या कर रहे हैं ये पाप है अरे 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 ये क्या कर रहे हो भाई साहब जी ये आपकी बहन जैसी है छोड़िए ना इसे Yeah.
दिला के कान के पर्दे फाड़ रहा है, क्या जरूरत थी गंदगी में मुंह डालने की है? लेकिन तू ठहरा गंदी नाली का कीड़ा, मेरे सब किए किराए पर पानी फेर दिया। तूने सुना वो बड़े ठाकुर साहब ने क्या कहा सबके सामने? अरे मैंने बेटा नहीं सुअर पैदा किया है, सुअर। अगर तुम मेरी शादी नहीं करोगे तो मुझे इधर उधर तुम्हें मारना ही पड़ेगा ना। चुप कमीने। अरे तेरी इस जवानी को दांव पे लगा के मैं बहुत लंबा जुआ जीतने की कोशिश में लगा हूं। अरे अपनी इस फड़फड़ाती जवानी के शिकंजे में अगर दबोचना ही था तो बड़े ठाकुर की बेटी नीला को दबोचता, लड़की के साथ कम से कम लंबी चौड़ी जायदाद तो हाथ में आती। वाह बापू वाह, तुम्हारे दोगले दिमाग में क्या आइडिया आया है बापू। भगवान झूठ ना बुलवाए, ये आइडिया आज नहीं आया, इसी आइडिया से मैंने तेरी माँ और उसकी सारी जायदाद पर कब्जा किया था। आज मैं मान गया कि मैं बहुत बड़े हरामी का पिल्ला हूँ। नमस्ते कुंवर जी। नमस्ते 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 भाभी आओ। नमस्ते काका जी। जीते रहो बेटे, खुश रहो, तरक्की करो। कैसे हो पार्वती जी? नमस्ते काकी जी। जीते रहो बेटे। काका जी आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे नौकरी मिल गई है। अच्छा ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई भाई तुमने, हाँ? इनका मुंह मीठा कराओ भाई जी। आओ आओ भाभी जी, आओ आइए बैठो बेटे, आइए भाभी। कुंवर जी भलाई करना तो कोई आपसे सीखे, इसके पिता के स्वर्गवास के बाद हम माँ बेटे को आपने सहारा दिया, सुशील को पढ़ाया लिखाया, आज हम जो कुछ भी हैं सिर्फ आपके एहसानों की वजह से हैं। मैंने कोई एहसान नहीं किया, एक राजपूत होने के नाते अपनी बिरादरी का साथ देना तो मेरा फर्ज था। खैर अब बेटे को नौकरी मिल गई, लगे हाथ एक बहू भी घर ले आइए और अपनी आखिरी जिम्मेदारी पूरी करके आराम से जिंदगी बिताइए। इसीलिए तो आपसे सलाह लेने आई हूँ। अच्छा तो आपने लड़की भी ढूंढ ली? बिल्कुल, लड़की पढ़ी लिखी है, सुंदर सुशील है, मेरा घर तो स्वर्ग बन जाएगा स्वर्ग। भाभी आज तो आपने एक साथ दो दो खुशखबरी सुना दी, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। किसकी बेटी है? अपनी नीला जो है, सुंदरता और गुण में लक्ष्मी, समझ में सरस्वती। क्या हुआ कुंवर जी? उठो, मैं कहता हूँ उठो। मैंने तो कोई गलत बात नहीं की, क्या हम आपकी बिरादरी की नहीं हैं? बिरादरी की जरूर हो लेकिन बराबरी की नहीं हो, संस्कार की नहीं हो। दो रोटियों का ठिकाना पाते ही तुमने उसी हवेली पर नजर गाड़ दी जो हवेली आज तक तुम्हें रोटियां भीख में देती रही। आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने होशियार से होशियार सौदागर देखे लेकिन तुम जैसी जात बेचने वाली मक्कार औरत कभी नहीं देखी। निकल जाओ यहां से और आज के बाद इस घर की तरफ मुड़कर नहीं देखना। जाओ। देखने गई थी, वहीं एक बदमाश ने मेरा पर्स चुरा लिया। तूने अपना पर्स रखा कहाँ था? यही जैकेट में। और तुझे पता भी नहीं चला? मुझे क्या पता था कि उसने हाथ अंदर पर्स मारने के लिए डाला है। तूने फिजिक्स के नोट्स कंप्लीट कर लिए? हाँ, नोट्स तो कंप्लीट किए, पर नोट्स कौन देखता है, वो तो मुझे ही देखता रहता है। अच्छा तू इतनी तो सुंदर नहीं है। हाँ, मुझे उसको तो कुछ ज्यादा लगता है कि बहुत सुंदर है। हाँ, पता है इसकी कोई बात नहीं, जेलस फील करने की जरूरत। एक्सक्यूज मी, हमें कोई जेलस नहीं है। पता है तुमको कोई पार्टी है ना, और तू जा रही है जेलस करने, बेशक तो बंद कर। ओह माय गॉड, तुझे क्या हुआ? मैं तो लाइब्रेरी की किताब ही भूल गई और आज वापस करने का आखिरी दिन है। तुम लोग चलो, मैं किताब लेकर आती हूँ। चल मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। नहीं नहीं तुम लोग चलो, मैं बस गई और आई। अच्छा चलो भैया, इनका हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलते रहता है, कभी भूल जाते Thank you.
कुछ बोलिए ना। हाँ क्या बोलूं? कुछ भी। कुछ भी? अच्छा अच्छा, तुम स्कूल में पढ़ती हो? स्कूल में नहीं तो क्या, जंगल में पढ़ूंगी। 12th 12वीं में पढ़ती हूँ। हमारी क्लास में 36 विद्यार्थी हैं। हम रोज सुबह 10 बजे स्कूल जाते हैं, 5 बजे लौटते हैं, दोपहर का खाना भी साथ ले जाते हैं। बस 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 बस। इसे तो अच्छा होता कि तुम चुप ही रहते। एक जवान लड़की के साथ अकेले में क्या बातें करनी चाहिए ये भी तुम्हें नहीं मालूम? शहर में क्या झक मारते थे जी? तुम कुछ बोलते हो या मैं बोलूं? आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? वाह वाह वाह, ऐसे अचानक पूछोगी तो मैं कैसे जवाब दूंगा? तो क्या इंस्टॉलमेंट में पूछूं? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। आप लेडीज हैं, कुछ भी बोल सकती हैं। मैं लड़का हूँ, बिना सोचे समझे कैसे जवाब दे सकता हूँ? आखिर मेरी जिंदगी का सवाल है। हे भगवान, ये उड़नी आपके घर की है, उड़कर हमारे आंगन में आ गिरी थी। हमारे घर की जो भी चीज गिर जाती है हम उसे दोबारा उठाकर सर पर नहीं रखते, जला देते हैं। अच्छा सिद्धार्थ, मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। अरे अभी तो मैं सिर्फ रिश्ता पक्का करने जा रहा हूँ, इतना शर्मा रही है? अरे रुक रुक, शुभ काम के लिए जा रहा है, अपना मुंह तो मीठा करके जा। ये ले ले ले। और सुन, ये जो अपनी मुझ तलवार की तरह हमेशा ऊंची करके फिरता है ना, उसे नीची करके बात करना, लड़की का मामला है। चुप, मुझे सब मालूम है। बढ़िया सिखाने वाली। हवा की तरह जाना और आंधी की तरह वापस आना। ए सीता सुन। ठाकुर साहब, आपकी बहन हमारे घर की शोभा बन रही है, इससे बड़ा सम्मान और क्या होगा? मैं फिर भी कहूंगा एक बार मेरी बहन को देख ले। ठाकुरों की शादी में लड़कियों की शक्ल नहीं, उनकी हवेली की ऊंचाई देखी जाती है, और हमने आपकी हवेली बहुत करीब से देखी है। तो मैं रिश्ता पक्का समझू? 16 आने। नमस्ते। नमस्कार। इतनी देर हो गई और उस खजूर का अभी तक कुछ पता नहीं।
बिजली आराम से बैठ जा, भैया आते ही होंगे। अरे कैसे आराम से बैठ जाऊं, शादी ब्याह के मामले में कोई इतना टाइम लगाता है? फटाफट तय करके आ जाना चाहिए। मैं कोई पराई थोड़ी हूँ जो भैया मुझे किसी के साथ भी भेज देंगे। मेरे लिए तो वो हीरा जैसा लड़का ढूंढ कर लाएंगे। ए सीता, भगवान करे वो तेरे लिए हीरा ले आए, मोती ले आए, लेकिन मुझ पर दया कर, तेरे चक्कर में मेरे 20 सावन सूख कर चले गए। तू क्या चाहती है, मैं कुमारी मर जाऊं? सीता, अरे बाप रे, यहाँ दी इधर ही है, तब तो गांव के पेड़ पत्ते को भी खबर लग गई होगी। ए, मैं कोई नाइन या धोबन नहीं हूँ जो दरवाजे दरवाजे खबर बांटती फिरूं। सीता, मैंने तेरी शादी इस लड़के के साथ तय कर दी है, ये देख। देखने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर है। बोलो क्या रामचंद्र की जय। अपनी सीता को राम मिल गया, अपनी राधा को श्याम मिल गया, सीता को राम मिल गया, राधा को श्याम मिल गया, सीता की जगह पक्की हो गई। पार्वती, मेरी शॉल लेके आना। हाँ निकल ही रहा हूँ, अभी निकला। मैंने तुमसे शॉल लाने के लिए कहा था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? शॉल मांगा तो चप्पल ले आई, और अब शॉल को चप्पल की जगह रख रही हो? जी वो बस 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 बस। नीला जी, पिताजी चप्पल ला बेटी। जी अभी लाए। ये लीजिए। जी दे रहा बेटी। सीता, सीता यहाँ क्यों रे? तेरा रिश्ता पक्का हो गया है? मुबारक हो, मुझे नहीं बताया ना? आपका आशीर्वाद चाहिए भाभी। वो तो हमेशा तेरे साथ है, सदा सुखी रहे। जा, कोई देख लेगा, भाग। अच्छा भाभी। पार्वती, ये नाटक कितने दिनों से चल रहा है? तूने तो मेरी जान ही निकाल दी, कितना डर गई थी मैं। माँ, शादी होकर 20 साल हो गए, फिर भी तुम पिताजी से इतना क्यों डरती हो? क्या बताऊँ तुझे, जब पहली बार मैं उनके कमरे में दूध का ग्लास लेकर गई थी तो उन्होंने मुझे पूछा था, क्या दूध लाई हो? आवाज सुनते ही डर के मारे मेरे हाथ से ग्लास छूट गया, और उस दिन से जो डर मेरे दिल में पैदा हुआ है आज तक नहीं गया। नमस्ते ठाकुर साहब। प्रभु, बहुत दिनों के बाद बड़े भैया के दर्शन हुए। अगर आज मुझे उनका आशीर्वाद मिल जाए तो मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएंगी। ये राजू, इसको वहां उठा कर रख। ए मौसी जी, मेरी सीता को ऐसे सजाना कि ससुराल वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएं। ओए अकल के दुश्मन, मौसी कभी खुद को सजा नहीं पाई, सीता को क्या सजाएगी? जा खुद जाकर देख, ऐसे सजाया मैंने, तू भी पहचान नहीं पाएगा। जा जा ना। प्यारी 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 बहना, ओ बहनारी प्यारी प्यारी बहना, पिया घर जाएगी। बहनारी प्यारी प्यारी बहना, पिया घर जाएगी। चमकेगी तेरी बिंदिया ये मेहंदी रंग लाएगी, चमकेगी तेरी बिंदिया ये मेहंदी रंग लाएगी।
रुतिए फूलों की आई कलियों ने ली अंगड़ाई बहना की हुई सगाई खुश है तेरा ये भाई। देखेगा सारा जमाना खुशी की घड़ी आएगी चमकेगी तेरी बिंदिया ये मेहंदी रंग लाएगी चमकेगी तेरी बिंदिया ये मेहंदी रंग लाएगी। तुझको विदाई होगी तू पल में पराई मुझको बेचैन करेगी बहना ये तेरी जुदाई। अखियां लुटाएंगी खजाना ये झोली भर जाएगी अखियां लुटाएंगी खजाना ये झोली भर जाएगी चमकेगी तेरी बिंदिया ये मेहंदी रंग लाएगी चमकेगी तेरी बिंदिया ये मेहंदी रंग लाएगी। लड़के वाले आ गए। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। आइए। नमस्ते। आप लोग अंदर चलिए हम बड़े ठाकुर से मिलकर आते हैं। जाइए। चलो चलो भाई। हाँ हाँ चलो 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 भाई चलो बैठिए। नमस्ते। नमस्ते। सारा अनाज गोदाम में रख दो जाओ। जी मालिक। ठाकुर साहब नमस्ते। नमस्ते। अरे आओ आओ बलराम ठाकुर आओ कहो कैसे आना हुआ। हाँ आओ आओ। ठाकुर साहब आपको मालूम नहीं हम लोग सगाई के लिए आए हैं मेरे बेटे की शादी आपकी बहन से तय हुई है। खबरदार जो किसी अरे गहरे को मेरी बहन कहा तो। मतलब सीता और अर्जुन आपके भाई बहन नहीं? नहीं मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ ना मेरा कोई भाई है और ना ही कोई मेरी बहन। लेकिन गांव वाले तो कहते हैं कि आपके पिता ने इनकी माँ से शादी की थी। ठाकुरों के खानदान में अय्याशी को शादी का दर्जा नहीं दिया जाता। ठाकुर हो इतना भी नहीं जानते जूतों को पहनकर फेंक दिया जाता है उन्हें उठाकर सर पर नहीं रखा जाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने सही समय पर हमारे खानदान को बर्बाद होने से बचा लिया। नमस्ते। लक्ष्मी लक्ष्मी घर चलो अब ये रिश्ता नहीं हो सकता बाहर आ जाओ। देखिए जल्दबाजी मत कीजिए सच्चाई ये नहीं। आईना दिखा दिया बड़े ठाकुर ने हमें अब और क्या सच्चाई जानना बाकी है। चलो ठाकुर साहब। चलो ठाकुर साहब चलो जल्दी। इस तलवार से तुम बड़े भैया की जान ले लोगे या वो तुम्हारी जान ले लेंगे दोनों ही सूरतों में माँ बाबूजी का सपना कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने मेरी सगाई तोड़ी है वो मेरे गुनाहगार हैं। मैंने उनका ये गुनाह माफ किया। पिताजी क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं क्या आपका बड़ा बेटा हमें किस गुनाह की सजा दे रहा है? क्या हमारा गुनाह यही है कि हमारी रगों में वही खून दौड़ रहा है जो उसकी रगों में बचपन से लेकर आज तक
उसका हर जुल्म बर्दाश्त किया मैंने, लेकिन आज तो उसने वो कर दिया जो एक दुश्मन भी नहीं करता। मेरी बहन की सगाई तुड़वा दी, उसका घर बसने से पहले उजाड़ दिया, दुनिया के सामने कह दिया कि वो इसकी बहन है, आपकी रखेल की बेटी है। क्यों क्यों बार बार मेरी मां को रखेल कहा जाता है, क्यों मुझे रखेल का बेटा कहा जाता है? सिर्फ इसलिए कि मेरी मां ने नौकरानी की तरफ बड़ी मां की सेवा की, आपकी पूजा की, यही उसका गुना था। मैं तो कब का ये घर छोड़कर चला जाता, लेकिन आपने हमारे पैरों में वचन की संजीव डाल दी है। ये आपने ठीक नहीं किया पिताजी, आपने ठीक नहीं किया, हमारी जिंदगी को जहर बना दिया आपने। ना हम जी सकते ना हम मर सकते। मंगलम पुण्डरीकाक्षाय मंगलम तनयो हरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते त्राहनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। बुआ, आपका रिश्ता होते होते टूट गया, ना पिताजी उल्टी सीधी बातें करते ना ही आपका रिश्ता टूटता। पिताजी इंसान नहीं पत्थर हैं, पत्थर, लेकिन उनको भी अपनी करनी का फल भुगतना ही पड़ेगा, उनकी भी एक बेटी है। नीला चुप कर, खबरदार जो तूने बड़े भैया के बारे में उल्टी सीधी बात की तो। वो तुम्हारे पिता बाद में हैं, पहले मेरे बड़े भैया हैं। तुमने सिर्फ उनका गुस्सा देखा है, प्यार नहीं। जब मैं छोटी थी वो अपनी गोद में बिठा कर खिलाते थे मुझे, दुनिया वालों ने हमारे प्यार को नजर लगा दी। देखना एक दिन भगवान सब ठीक कर देगा, हम एक हो जाएंगे। बुआ, दर्द छुपाना तो कोई आपसे सीखे। चलो सब गलत हो रहा है, सब गलत हो क्या रहा है? गलत हो रहा है? व्यायाम, एक्सरसाइज, वर्जिश। ये सर पीट पीट कर कौन सा व्यायाम किया जाता है? सूर्य किरण व्यायाम कहते हैं इसे। सूर्य की किरणों को हाथों में पकड़कर माथे पर रगड़ने से दिमाग तेज होता है, पैरों में शक्ति आती है। यू पार्वती जी, ये जुड़े में क्या है? जुड़े में कुछ भी तो नहीं। लगता है तुम 60 से पहले ही सठिया गई हो, है? जो जुड़े में तीर और तलवार लगाकर घूम रही हो। जा, जाकर निकालो उसे, जाओ। पता नहीं क्या बोल रहे हैं, जुड़े में तीर और तलवार, पता नहीं क्या कह। अरे नीला बेटी देख तो मेरे जुड़े में क्या है। जुड़े में देख तो। जुड़े में कुछ नहीं है माँ। कुछ नहीं है तो ठीक तरह से देखना, देखना। अरे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो फिर उन्होंने ऐसे क्यों कहा? लगता है सठिया तो वो गए हैं। साढ़े 9 बजे पुल के नीचे जरूर आना। नीले गगन के तले कहाँ जा रहे हो? जी वो ट्यूबवेल के पास वाला खेत जोतना है ना। मैंने जोतने को कहा था। नहीं तो फिर तुम यही रहोगे। शहर से मूलचंद आने वाला है, उसे पैसे लेकर 112 बोरे चावल दे देना और हिलने की कोशिश मत करना, काट डालूंगा। काट डालूंगा, खुद तो बिजली के साथ झटके खाने जा रहे हैं और उधर मेरी नीला, नीला। अगर दबोचना ही था तो बड़े ठाकुर की बेटी नीला को दबोचना, लड़की के साथ कम से कम लंबी चौड़ी जायदाद तो हाथ में आती। हाँ
क्या हुआ? अरे चुप कर नीला, चुप कर। बिजली, इसे घर ले जाओ। नीला, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। चला जा। बलि का बकरा कौन बनता है ये तुझे अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? मेरा जुर्म क्या है? मैं बताता हूँ। सरकार अर्जुन बाबू ने बेवजह मेरे बेटे को इतनी बेरहमी से पीटा कि मुझे उसे पंचायत में चारपाई पर डालकर लाना पड़ा। ये क्या समझते हैं? ये जो भी जुर्म करेंगे सब लोग उसे चुपचाप बर्दाश्त कर लेंगे, कोई इन्हें रोकने या टोकने वाला नहीं है। सरकार आप इनसे पूछिए इन्होंने मेरे मासूम बच्चे को क्यों मारा? भैरव को क्यों मारा? इसने जो गलती की है अगर मेरा बस चलता तो उसे काट डालता। ऐसी कौन सी गलती की है इसने? इसने एक फूल जैसी लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की थी। बस हमेशा यही एक इल्जाम लगता है मेरे बेटे पे। वो कहते हैं ना बद अच्छा बदनाम बुरा। मेरा बेटा बेचारा एक बार बदनाम क्या हो गया, जिसे देखो वही ये झूठा इल्जाम थोप देता मेरे बेटे पर। दरअसल बात ये बड़े सरकार, अर्जुन बाबू आपके बारे में अनाप शनाप बक रहे थे। मेरे बेटे ने उन्हें रोका और कहा खबरदार अगर बड़े सरकार के बारे में कोई गंदी बात कही तो अर्जुन बाबू एकदम से बिगड़ गए और लगे मेरे बेटे को पीटने। झूठे चिल्लाते क्यों है अर्जुन बाबू? अगर ये झूठ है तो फिर बताइए कौन थी वो लड़की जिसकी आबरू से मेरा बेटा खेल रहा था? पूछिए सरकार पूछिए। कौन है वो लड़की, क्या नाम है उसका? मैं उसका नाम नहीं बता सकता। नाम क्यों नहीं बता सकते? अरे नाम होगा तब बताएगा ना, जब कोई लड़की थी नहीं तो नाम कहां से आएगा? आप बताते क्यों नहीं? चुप है, काट डालूंगा। पंचायत तुम्हें आखिरी मौका दे रही है, अगर इस हादसे का संबंध किसी लड़की से है तो उसका नाम बताओ। बिना वजह किसी को पीटना तुम्हारी पहली गलती है और किसी इंसान पर झूठा इल्जाम लगाना दूसरी गलती है। इन दो गलतियों की सजा है 100 कोड़े। भैरव, ये सजा तुम इसे अपने हाथों से दोगे? नहीं सरकार नहीं, ये सजा आप ही दीजिए क्योंकि आप धर्मराज हैं। ठीक है। क्यों रो रही है? पागल हो गई है? बिजली, हल्दी गर्म हुई कि नहीं? हल्दी भी गर्म है और मेरी खोपड़ी भी गर्म है। तू इनको दवा लगा, मैं उस बड़े ठाकुर को दवा पिलाकर आ रही हूँ। खबरदार, जो बड़े भैया के खिलाफ उल्टा सीधा कहा तो काट डालूंगा। काट डालूंगा, काट डालूंगा। उसे क्यों नहीं काट डालते जिसने बेवजह तुम्हारी खाल उधेड़ दी? वो मेरी खाल उधेड़े या फांसी पर चढ़ा दे, अगर हमारे भाई हैं या हमारा आपस का मामला है। तू कौन होती है हमारी घरेलू बातों में बोलने वाली? मैं कोई नहीं। नहीं ठीक है, मैं जाती हूँ, अब कभी नहीं आऊंगी। बिजली जाने दो इसे। हाँ हाँ जाती हूँ, बुलाओगे मिनते करोगे तब भी नहीं आऊंगी, ठोकने भी नहीं आऊंगी। हाँ। बहुत बेइज्जती बर्दाश्त कर ली मैंने, अब और क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? हो गया।
पता नहीं क्या हो गया इसे। आज के बाद इस दुनिया से मेरा नाता खत्म। अरे बेटा बिजली क्या कर रही है तू, क्या पागलपन है ये? ये पागलपन नहीं है बापू, ठेस लगी है मेरे मन को, टूट गया है मेरा दिल, जिसको अपना सब कुछ मानकर मैं जीती रही, जिसके दर्द को मैं अपना समझकर मैं रोती रही, आज उसी ने अपने भाई के लिए मेरी बेइज्जती की। कहता है कौन है तू हमारी, अब तुम ही बताओ बापू मेरा जीना किस काम का, मैं किस लिए जीऊं? हाँ हाँ बेटा तेरा मर जाना ही ठीक है, उसके बाद ही तेरी कदर मालूम पड़ेगी छोटे ठाकुर को। अच्छा मेरी कदर मालूम पड़ेगी, वो कैसे? बेटा थोड़े दिनों के बाद सीता तो ब्याह कर अपने घर चली जाएगी, फिर छोटे ठाकुर अपने हाथों से दाल चावल बिनेंगे, आटा गूंधेंगे, चपाती पकाएंगे, हाथ जलेगा और जले हाथ से कपड़े धोएंगे, फिर तुझे याद करेंगे और रोएंगे। ऐसा होगा बापू? बेटा ऐसे ही होता है। नहीं नहीं छोटे ठाकुर ये हालत मुझसे नहीं देखी जाएगी। पर तू कहा देखेगी, तेरी आत्मा देखेगी, भटकेगी रोएगी। फिर तो ये मरने वरने का प्रोग्राम कैंसिल। नहीं 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 बेटा वक्त है, एक बार सोच ले। नहीं कैंसिल बोले तो कैंसिल, हटाओ इसको। छोटे ठाकुर की तकलीफ भी सही नहीं जाती है। ए, पागल हो गई है, ये क्या हरकत है? हरकत में बरकत है, अकेले कहाँ जा रहा है, मुझे भी अपने साथ ले चलना इस खटारे पर, तुझे कस के पकड़ के बैठो। ए, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? बेशर्म हो गई हूँ ना, अब तो तेरे बगैर नींद भी नहीं आती, सारी सारी रात जागती रहती हूँ, तेरे ख्यालों में डूबी रहती हूँ, देख तो मेरा अंग अंग तेरे प्यार में कैसे चल रहा है। क्या कर रही है? हाय एक बार तो कस के मुझे अपनी बाहों में ले ले, ये आग अपने आप ठंडी हो जाएगी। छोड़ छोड़। रबा रबा हायो रबा हमको छेड़ो ना, रबा रबा हायो रबा हमको छेड़ो ना, प्यार का रोग बुरा प्यार है दिल की खता, ओ बाबा हम पे रहम करो ना, हली 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 प्यार करो ना, ओरे बाबा हमको छेड़ो ना। खेलो नहीं हटो दूर जाओ ना, आग से खेलो नहीं हटो दूर आओ ना, अंग अंग तड़पे मेरा पास पूछो ना, तुम हो लड़की या भला न शर्म है न हया, ओ बाबा हमको माफ करो ना, हले 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 प्यार करो ना, ओरे बाबा हमको छेड़ो ना।
कतरा रही हो, अभी मैं बताता हूँ। बड़ा इतरा रही हो, अभी मैं बताता हूँ। तेरी दीवानगी को मजा मैं चखाता हूँ, तेरी दीवानगी को मजा मैं चखाता हूँ। प्यार कहते हैं किसे करके दिखाता हूँ, अभी मैं दिखाता हूँ। हले 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 प्यार करो ना, रब रब हायो रबा हमको छेड़ो ना, ओरे बाबा ओरे बाबा प्यार करो ना, जज जज जाती हूँ मैं माफ करो ना। अरे 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 कहाँ जाती है रुक। वाह वाह वाह, इतनी जल्दी इतना अच्छा इंतजाम कर दिया। अरे दुर्जन बाबू, भगवान झूठ ना बुलवाए, इस सारे गांव में दुकान के लिए इससे अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती थी। बस से उतर कर लोग जैसे ही अपने घर जा रहे होंगे तो सामने होगी सोमरस की दुकान। दो दो घूंट पीकर उनके दिन भर की थकान उतर जाएगी और वो घर जाकर सो जाएंगे। हाँ, लेकिन माल अच्छा होना चाहिए। अरे माल तो ऐसा है प्रताप सिंह, जो एक बार मेरी शराब में डूब जाता है वो जिंदगी भर ऊपर आता ही नहीं। ए ए बोतल ला। जी मालिक। लो इसे हल्लक से नीचे उतारो तो मैं अपने आप मालूम हो जाएगा। भगवान झूठ ना बोलवाए, इसे तो देखते ही मजा आ गया। लेकिन दुकान के मालिक से पहले मैं कैसे पी सकता हूँ हमारे नए धंधे के नाम। कमीनो, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मेरे पिताजी की समाधि के सामने शराब पी रहे हो? अरे ये समाधि है, कोई मंदिर तो नहीं है। अरे ये समाधि मेरे लिए मंदिर से भी ज्यादा पवित्र है। अगर इसके करीब कोई भी गंदी हरकत की तो तुम लोगों को काट कर फेंक दूंगा। तुमको गुस्सा इस बात का आ रहा है कि हम लोग समाधि के सामने शराब पी रहे हैं? चलो हम समाधि छटा देते हैं। ए, तोड़ डालो इसे। अरे क्या, अरे 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 क्या, अरे
डाकू, बड़े डाकू, बड़े सरकार, रुकिए, 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 देखिए क्या अन्याय हो रहा है, रुकिए। बड़े डाकू, आप माई बाप, आप चाहें तो हमें 50 जूते मार सकते हैं, लेकिन अर्जुन, अर्जुन बाबू कौन होते हैं? आप देखिए, हमारे दोस्त का मार मार के बुरा हाल कर दिया। लेकिन क्यों? ये व्यापारी है, व्यापार करने के लिए हमारे गांव में दुकान खोल रहे हैं, कोई 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 बुरा काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये आप समझते हैं? ये नहीं समझता, भगवान झूठ ना बुलवाए, कहता है इस गांव में इसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। बड़े ठाकुर, अब आप ही इंसाफ कीजिए, इस गांव में क्या दुकान नहीं खोली जा सकती? खोलो दुकान, देखता हूँ किसकी माँ ने दूध पिलाया जो मेरे फैसले के खिलाफ आवाज उठा सके। मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाया है, अगर किसी ने भी पिताजी की समाधि के पास कोई गलत काम किया तो इसी वक्त जमीन में गाड़ दूंगा। ये किस चीज की दुकान खोलना चाहता है? भगवान झूठ ना बुलवाए, इनके पास गवर्नमेंट का लाइसेंस भी है। दुकान किस चीज की है? शराब की। समाधि के नजदीक तो क्या इस गांव की जमीन पर भी किसी ने शराब की दुकान खोलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। जिस गांव में धंधा करने के वास्ते मुझे किसी फालतू आदमी की परमिशन नहीं चाहिए, लाइसेंस के वास्ते लाखों रुपया खर्च किया है मैंने, मैं चुप नहीं बैठूंगा, इसी गांव में शराब की दुकान खोलकर दिखाऊंगा। चला जा यहां से, वरना इस गांव से तू नहीं तेरी लाश जाएगी। अरे नहीं बड़े ठाकुर, इसे माफ कर दीजिए, हम आपकी मर्जी के खिलाफ इस गांव में कोई काम नहीं करेंगे, मैं इसे इस गांव से निकाल देता हूँ। अरे चलो, अरे चलो पहलवान, बात करती हूँ, चलो। भगवान झूठ न बुलवाए, दोनों भाई एक दूसरे को सीधी नजर से नहीं देखते थे, लेकिन आज दोनों एक कैसे हो गए? ये अरे तुम क्या इधर से उधर, उधर से इधर घूम के मेरे घर की लंबाई नाप रहे हो? अबे चुप, मैं तुम्हारे घर की लंबाई नहीं, उन दोनों भाइयों की कब्र की गहराई नाप रहा हूँ। अरे तुम फिक्र मत करो, उन दोनों भाइयों की चिता कब और कहाँ जलानी है इसका इंतजाम मैं करूँगा। अरे तुम क्या खाक करोगे, अब जो कुछ करना है मैं खुद करूँगा, तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है? अंदाजा है, बिल्कुल अंदाजा है। अरे मैं तुम्हारा पूरा इतिहास जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ पैसे से ही नहीं ताकत से भी महाबली हो, लेकिन इस वक्त ताकत का इस्तेमाल न करना, पूरा गांव उनके साथ है। तो कुछ दिन के लिए तुम इस गांव को भूल जाओ, जैसे ही मेरी शैतानी खोपड़ी का चक्रव्यूह चलेगा मैं फौरन तुम्हें इनविटेशन देने आ जाऊंगा। ठीक है, अगर तुमने दगाबाजी की तो चिता दो नहीं तीन जलेगी, और सबसे पहले तुम्हारी। भगवान झूठ ना बुलवाए, प्रताप सिंह का प्रताप दुनिया ने अभी देखा कहाँ है? ए, क्या कर रहे हो, हटो ना। ए, नीला, अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी कहीं और तय कर दी तो मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। सच? और नहीं तो क्या, जिससे मैं प्यार करती हूँ उसके बगैर जी का क्या फायदा? तुम्हारे बगैर तो मैं भी जी नहीं सकता, इसलिए मैं भी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। लेकिन तुम्हें तो तैरना आता है। अरे हाँ, इसका मतलब मैं मरना भी चाहूँ तो भी नहीं मर सकता। तुम मेरी याद में जिंदा रहना, मजनू की तरह दीवाना बनकर। दीवाना तो मैं बन चुका हूँ तुम्हारा। वो कब से? जब से तुम्हें देखा है।
दिल है दीवाना मेरा तुम पे फिदा हुआ, देखा जो जानम तुमको जाने मुझे क्या हुआ, जाने जाना होते होते प्यार तुमसे हो गया, आया है मौसम तेरे प्यार का, हाँ जी हाँ आया है मौसम तेरे प्यार का। दिल है दीवाना मेरा तुम पे फिदा हुआ, देखा जो जानम तुमको जाने मुझे क्या हुआ, जाने जाना होते होते प्यार तुमसे हो गया, आया है मौसम तेरे प्यार का, हाँ जी हाँ आया है मौसम तेरे प्यार का। जानम तुमको जाने मुझे क्या हुआ, जाने जाना होते होते प्यार तुमसे हो गया, आया है मौसम तेरे प्यार का, हाँ जी हाँ आया है मौसम तेरे प्यार का। जानम तुमको जाने मुझे क्या हुआ, जाने जाना होते होते प्यार तुमसे हो गया, आया है मौसम तेरे प्यार का, हाँ जी हाँ आया है मौसम तेरे प्यार का, हाँ जी हाँ आया है मौसम तेरे प्यार का, हाँ जी हाँ आया है मौसम तेरे प्यार का। आज से ये इस कमरे के बाहर कदम नहीं रखेगी। लेकिन इसने किया क्या है? इसने वो किया है जो कहते हुए भी शर्म आती है। मैंने तुझे बेसहारा समझकर मेरे घर में रहने के लिए जगह दी और तूने उसी थाली में छेद कर दिया जिसमें तू खा रहा था। दफा हो जा यहाँ से, दोबारा इस गांव में दिखाना तुझे जिंदा दफन कर दूंगा। चलो जा रहा है इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए। क्यों? छोटे ठाकुर का हुकुम जो है। अच्छा, प्यार भी छोटे ठाकुर के हुकुम से किया था? बोल, छोटे ठाकुर ने तुझसे कहा था ना उस घर की तरफ आंख उठाकर मत देखना, फिर ये नैन मटक्का किसने किया, तूने या छोटे ठाकुर ने?
उस मासूम लड़की के दिल में प्यार की हलचल किसने जगाई? तूने या छोटे ठाकुर ने? तुम साले मर्द लोग सब एक जैसे होते हो, फूल के खिलते ही मंडलाना, रस चूसना और फिर चल देना किसी दूसरे फूल की तलाश में। ये झूठ है, मैं आज भी नीला से प्यार करता हूँ और मरते दम तक करता रहूंगा। तो मरने के लिए शहर जाना जरूरी है? यही मर, इसी गाँव में मर, अपनी नीला के लिए मर। लेकिन छोटे ठाकुर? अरे छोटे ठाकुर की ऐसी की तैसी, उसे मैं संभाल लूंगी। साला ना खुद प्यार करता है ना दूसरों को करने देता है। खा भगवान की कसम कि अब ये गांव छोड़कर तू कभी नहीं जाएगा। मैं कसम खाता हूँ इस गांव को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। जाऊंगा तो नीला को साथ लेकर। तू बोल। आप बोलिए। अरे तू बोल। अरे आप बोलिए ना। ये क्या तू तू आप लगा रखी है? क्या बात है बोलो। भगवान झूठ ना बोलवाए, अपनी हालत तो उस सांप की तरह से हो गई है जो चचुंदर को निगले तो मर जाए, उगले तो अंधा हो जाए। समझ में नहीं आता आपको बात कैसे बताऊं। पहलिया मत बुझाओ, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। अर्जुन बाबू ने आपको दिखाने के लिए उस लड़के को धक्के मार मार के निकाल दिया, लेकिन चोरी से छुपा के बिजली के घर में रखवा दिया। क्या बक रहे हो? पिताजी बकरा नहीं है जो बकेंगे, ये तो गधे हैं जो आपकी फटी में टांगड़ाने चले आए। चलिए घर, मैंने कहा था ना कि ठाकुर साहब आपकी बात नहीं मानेंगे। चलिए। नहीं मानेंगे तो बहुत पछताएंगे, जब मुंह काला हो जाएगा तो हमको याद करेंगे। चल चल बेटा। ठहरो, उस लड़के को बिजली के घर में रखने से अर्जुन को क्या फायदा हो सकता है? बदला, बदला सरकार, बदला। अर्जुन चाहता है कि आपकी नीला किसी तरह से उस लड़के के साथ भाग जाए और आपका सब नीचा हो जाए। उससे पहले मैं उस लड़के की चिता जला दूंगा। अरे आप तो आपका मुंह अपने घर की तरफ क्यों कर रहे हैं? उससे घर तो तबाह हो गई, साथ में शोर और धुआं भी उठेगा। अरे उसके लिए तो मेरा बेटा भैरव ही काफी है, जो काल भैरव बन के उस लड़के का नामो निशान ही मिटा देगा। मैं कौन सी तोप हूँ ये आपको आज ही मालूम हो जाएगा। देख राजू, तू दिल छोटा मत कर, प्यार में ऐसी मुश्किलें तो आती रहती हैं, और फिर प्यार करने वाले तो दुनिया से टकरा जाते हैं, तभी उन्हें सच्चा प्यार मिलता है। अरे मैं यूं ही बकबक किए जा रही हूँ या तो सुन भी रहा है? सो गया। राजू, राजू कहाँ गया? चारपाई भी नहीं है। राजू, कुत्ते की मौत मारो हरामजादे को। राजू को गुंडे मार रहे हैं। चलिए इसका अंत मैं करूंगा। Thank you.
सीता, जल्दी से दूध गर्म करके उसे पिला दे, मैं वैद्य को लेकर आता हूं। ठहरो, कहां जा रही हो? चाचा जी, वो राजू से मिलने जाऊं? बिल्कुल नहीं मिल सकती। तुम्हें मालूम है राजू की इस हालत की जिम्मेदार कौन है? जानती हूं। तो ये भी जान ले, तुझे यहां देखकर तेरा वो बाप राजू को गोली मार देगा। क्यों इसकी जान के पीछे पड़ गए तुम लोग? चाचा जी, ये क्या कह रहे हैं आप? भला मैं राजू को? अगर तू उसे जिंदा देखना चाहती है तो इन्हीं पैरों से वापस लौट जा। मैं कौन सी तोप हूं आपको आज ही मालूम हो जाएगा। थू! यही कहा था ना तूने? साला गधा, उल्लू की औलाद। मुझे उल्लू की औलाद कह रहे हो तो उल्लू तो आप ही हुए ना, आखिर मैं आपका बेटा क्यों ठहरा? मुझे तो नहीं लगता कि तू मेरी औलाद है। ऊपर जाके तेरी माँ से पूछना पड़ेगा कि ये मेरी औलाद है कि नहीं। माँ से जाकर बाद में पूछना, पहले उस छोटे ठाकुर को तो रोको जो नीला की शादी राजू से करवा देगा और सुहागरादी मनवा देगा। आप यूं ही चाल चलते रह जाएंगे और नीला के बच्चे मुझे मामा और आपको नाना कहा करेंगे। भगवान झूठ ना बोलवाए, हरामियों के तरकश में तीरों की कमी नहीं है। अगर पहला तीर खाली चला गया तो दूसरा तीर चलाएंगे।
जुदा मेरे सनम, करेंगे हम वफा तेरी कसम, न होंगे हम जुदा मेरे सनम, करेंगे हम वफा तेरी कसम। ये तेरी चाहत का है पहला नशा, कहे ये दिल मेरा दीवाना है तेरा वो दिल रुबा। न होंगे हम जुदा मेरे सनम, करेंगे हम वफा तेरी पसंद, ये तेरी चाहत का है पहला नशा, कहे ये दिल मेरा दीवाना है तेरा ओ दिलरुबा। जाएंगे हम वहाँ सनम, कोई ना हो जहाँ, न होगा हम तेरे पदम पड़ेंगे जहाँ। ओ कहे ये धड़कन के अब तेरे बिन ना होगा गुजारा, होंगे हम जुदा मेरे सनम, करेंगे हम वफा तेरी पसंद, ये तेरी चाहत का है पहला नशा, कहे ये दिल मेरा दीवाना है तेरा ओ दिलरुबा। सितम झुके ना हम रुके ना कहीं, झुके ना ये प्यार तो कभी गवाह है जमीन। ओ जिएंगे संग संग मरेंगे संग संग, देखेगा जमाना, हम जुदा मेरे सनम, करेंगे हम वफा तेरी कसम, न होंगे हम जुदा मेरे सनम, करेंगे हम वफा तेरी कसम, ये तेरी चाहत का है पहला नशा, कहे ये दिल मेरा दीवाना है तेरा ओ दिलरुबा। उस दिन तो मैंने समझा था कि वो कमीना ही मेरी मासूम बेटी को बहका रहे हैं, और आज देख रहा हूं कि मेरा ही खून गंदा हो गया है, जो खुद की जड़ तक बहकर जाता है, जो जख्म मुझे बड़े से बड़ा दुश्मन नहीं दे पाया वो बेटी बनकर आज तूने दिया है। ऐसा मत कहिए। मत बोलो तुम बीच में, ये तुम्हारा ही फैलाया जहर है, बेटी को हंसते खेलने दो, यही वो खेल, यही है वो आजादी। ये हया मेरी मान मर्यादा की एक घिनौनी बीमारी बन गई है, इसका मर जाना ही बेहतर है। हट जाओ सामने से। नहीं रुक जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी गोद सुनी मत कीजिए, ये अब कहीं नहीं जाएगी,
कुछ भी नहीं करेगी। हम इसकी शादी बहुत जल्दी कर देंगे। इसे माफ कर दीजिए, एक बार इसे माफ कर दीजिए, इसे माफ कर दीजिए। भाभी, उस दिन के अपमान के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। समझ में नहीं आता कि मैं आप नाहक ही अपमान को पकड़ कर बैठे हैं। अगर मैंने अपमान का जिक्र किया तो एहसान की भी बात की थी। आपके बरसों के एहसानों के सामने वो एक पल का अपमान। कुंवर जी, हम हैसियत से जरूर गिरे हैं, इंसानियत से नहीं। ये कहकर आपने हमारी चिंता मिटा दी, लेकिन एक शर्त है, आपको हमारे साथ खाना खाना पड़ेगा। पार्वती, खाना लगाओ। जी आइए। अच्छा आइए भाभी। सुशील जी, तुमने नौकरी पर जाना शुरू कर दिया? जी नहीं। बहुत अच्छा किया, नौकरी करने की जरूरत ही क्या है? काका जी, नौकरी नहीं करूंगा तो करूंगा क्या? बेटे, इतनी जमीन जायदाद रुपया पैसा लंबा चौड़ा कारोबार है मेरा, मैं ये सब नीला के साथ तुम्हें सौंप कर आराम से जिंदगी बिताना चाहता हूँ। ठहरो पार्वती, क्यों, क्या हुआ? या तो मेरे भाग्य से इस घर का दाना पानी उठ गया है, या मैं किसी गलत घर में आई हूँ। क्या मतलब? लगता है मैं ठाकुर रघुवीर सिंह के घर नहीं, किसी चालाक सौदागर के घर में आई हूँ, जो वसीयत नामे को दिखाकर अपनी बेटी के कारनामे हमारे सर मरना चाहता है। रुक्मिणी, अभी अभी तुम मेरे एहसानों की दुहाई देकर उस दिन के अपमान को भूल जाने का बड़प्पन दिखा रही थी। एहसान और अपमान के साथ मैंने स्वाभिमान का भी नाम लिया था। एहसान अपमान की आग को हल्का कर भी देता है, मगर स्वाभिमान की रोशनी को कम नहीं कर पाता। कुंवर जी, नीला का किस्सा इस गांव की गलियों से गुजरकर पूरे इलाके में फैल गया है। आपके एहसानों के बदले में हम माँ बेटे अपनी जान दे सकते हैं, पर आन नहीं दे सकते। हमें माफ कीजिए। चलो बेटा। ठाकुरों की हवेली में अंधेरा अच्छा नहीं लगता। आज्ञा हो तो उजाला कर दूं। नहीं प्रताप सिंह, यूं ही अंधेरा रहने दो। अंधेरे में रहे आपके दुश्मन। जब तक प्रताप सिंह जिंदा है, ठाकुर रघुवीर सिंह के घर में रोज दिवाली का उजाला होगा। शायद हमारे दिल का दर्द तुम्हारे दिल तक नहीं पहुंचा। प्रताप सिंह आपके दिल का दर्द भी जानता है और उसकी दवा भी लेकर आया है। दुनिया ने आपके लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए, मैंने नहीं। मेरा बेटा नीला को दिल से प्यार करता है। ठाकुर साहब, आप ज्यादा सोचिए मत, भगवान झूठ ना बोलवाए। अगर नीला बेटी हमारे घर की बहू बन के आ गई तो मेरा बेटा अपने आप सुधर जाएगा। अरे जब ठाकुर रत्नाकर वाल्मीकि बन सकता है तो क्या मेरा बेटा उजाला कर दूं सरकार? कर दो। तो सरकार शादी का मुहूर्त निकलवा लो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो सरकार, बधाई हो। मैं जल्दी जाकर शादी का मुहूर्त निकलवाऊंगा। आप जानते हैं ना भैरव कैसे चाल चलन का लड़का है, फिर भी आप नीला को उसके गले बांध रहे हैं। जानबूझकर तो अपनी बेटी को आग में मत धकेलिए। आग में मैं नहीं ढकेल रहा हूँ, खुद को दिए वो। आज उसी की वजह से सारा गांव थू थू कर रहा है। अनजाने में उससे गलती हो गई है, उसे माफ कर दीजिए। गलती जानकर की जाए या अनजाने में, गलती गलती होती है और हर गलती की सजा होती है। उसे इस गलती की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। बस तुम जाकर शादी की तैयारी करो। देखा हमारे बैराग का नसीब कैसे खुल गया। अरे मान सिंह, सब तैयारी हो गई ना? तैयारी हो गई। वो मंगल सिंह कहाँ है? अभी तक नहीं आया। अरे तो जाओ ना, जल्दी बुला कर लाओ उसे। बैरो तैयार हुआ? बैरो बेटा,
चलो बेटा। बापू कैसा लग रहा हो? अरे बेटा भगवान झूठ ना बुलवाए, कौए के घर में हंस पैदा हो गया। एक मिनट बेटे, एक मिनट। कहीं धजर ना लग जाए, आजा आजा। वाह वाह क्या जच रहे बेटा, कुछ रहो कुछ रहो। चलो चलो टाइम हो गया। कौन है कौन है? छोटे ठाकुर आप, ये क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, सगाई के लिए शगुन लाए हैं। ये सगाई की पान सुपारी नहीं, तुम दोनों की मौत की सुपारी है। अगर तुम लोगों ने सगाई के लिए मेरे भाई के घर जाने की जुर्रत की तो ये नारियल तुम्हारे सर पर फोड़ूंगा और यह हल्दी कुमकुम तुम दोनों की लाशों पर छिड़कूंगा, समझे? ठाकुर साहब, शादियां तो भगवान की मर्जी से होती हैं, अब हम तो ठहरे इंसान। जी सही कहा। ठाकुर साहब जी, सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है, वर कहां है? अभी तक तो आ जाना चाहिए था, मैं देखता हूं। प्रताप सिंह, क्या हुआ? अरे घर पर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम दोनों अभी तक हाथ पर हाथ धरकर बैठे हो। प्रताप सिंह, जवाब क्यों नहीं देते? लाशें भी कभी जवाब देती हैं। लाशें? क्या मतलब है तुम्हारा? सरकार, ये थाल देख रहे हैं? ये हमारी अंतिम यात्रा का सामान है। ये नारियल हमारे सर पे फोड़ा जाएगा और ये हल्दी हमारी लाशों पर छिड़की जाएगी। अगर हम सगाई करने के लिए आपके घर में कदम रखे तो। किसने की ये बदतमीजी? भगवान झूठ ना बुलवाए, एक ये सारे गांव में आपका सौतेला भाई। वो कौन होता मेरे घर के मामले में दखल देने वाला? चलो तुम दोनों मेरे साथ चलो। नहीं 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 नहीं, वो रास्ते में दीवार बन के खड़ा होगा। नहीं, जब वो सामने आएगा तो मैं नहीं, मेरी बंदूक बोलेगी। अब डरने की जरूरत नहीं, चल बेटा चल। ओम विष्णु विष्णु विष्णु। ठाकुर साहब, कन्या को बुलाइए। जी। पंडित जी, सब रस्में जल्दी जल्दी खत्म कीजिए, कहीं वो जल्दी है। हाँ। दो मिनट के अंदर तैयार होकर सगाई की रस्म के लिए आ जाओ, वरना आज इसकी लाश के साथ ये रस्म पूरी होगी। अब क्या होगा दीदी? बापू जल्दी कराओ, कहीं वो आना जाए। कराता हूँ पंडित जी, सगाई की रस्म जल्दी शुरू कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री प्रताप सिंह के सुपुत्र पैरो सिंह की सगाई श्री रघुवीर सिंह की सुपुत्री नीला से तय हुई है। अगले महीने की 5 तारीख को 7-8 बजे विवाह का शुभ मुहूर्त निकला है, सगाई की रस्म शुरू कीजिए। समधी जी बधाई हो। बंद करो यह सगाई। तू कौन होता है मेरी बेटी की सगाई रोकने वाला? नीला सिर्फ आपकी बेटी ही नहीं, मेरी भतीजी भी है और यह सगाई उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है। ठाकुरों के घरों में लड़कियों की सगाई उनकी मर्जी से नहीं, बाप दादाओं के फैसले से होती है। जमाना बदल गया है ठाकुर साहब, आजाद हिंदुस्तान में बालिग लड़की की शादी उसकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। नीला, ये सगाई तुम्हारी मर्जी से हो रही है तो फिर देख क्या रही हो, आगे बढ़ो और आओ मेरे पास। अब तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां तुम चाहती हो। नीला,
फंस जाएगी। चलाइए गोली पिताजी, आपके गुनहगार मैं हूँ, चाचा नहीं। अगर आपके अहंकार की प्यास सिर्फ मेरे ही खून से बुझ सकती है तो बहा दीजिए मेरा खून। आपकी परेशानियाँ भी खत्म हो जाएंगी और मेरी मुश्किलें भी आसान हो जाएंगी। कम से कम मर कर तो मैं उसकी हो जाऊंगी जिसे मैं प्यार करती हूँ। चलाइए गोली। चलो नेरा। ठाकुर साहब गोली चलाइए, उसकी पीठ है। ठाकुर पीठ पर वार नहीं करते। मैं कल ही तुम दोनों की शादी करा दूंगा। मुहूर्त देखे बिना ही काट डालूंगा। शुभ काम में मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। सीता अंदर से पैसे ले आओ, सारे इंतजाम करने हैं। काट डालूंगा। रुक दो। अरे अरे दुर्जन पहलवान कौन है? अरे मैं हूँ जिसकी दुनिया बर्बाद हो गई है। भगवान झूठ ना बुलवाए, जायदाद हाथ में आने से पहले ही चली गई है और मैं शादी होने से पहले ही रंडवा हो गया। अरे कुछ करो दोस्त। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बेटी की शादी नीला से तय हो गई थी। सब कुछ तय हो गया था कि बड़े ठाकुर की सारी जायदाद का मालिक मेरा बेटा होगा। भगवान झूठ ना बुलवाए, तुम जहाँ चाहो अपनी शराब की दुकानें खोल सकते हो। फिर क्या हुआ? अरे दूध पीने से पहले ही उसमें मक्खी पड़ गई। तो अपनी अकल की उंगली से उस मक्खी को निकाल के बाहर फेंक दो। अपनी अकल से ही तो मैंने बड़े ठाकुर को अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन वो छोटे ठाकुर उस साले को रास्ते से हटाने के लिए मेरी अकल की नहीं तुम्हारी ताकत की जरूरत है। जला दो साले की चिता। जाओ और कुर्सियों का इंतजाम करो। जाओ साबे खाने के सामान की लिस्ट। मुझे क्यों दिखा रहा है? जा सामान लेकर आ। ठीक है। अरे अरे ये फूल कोई ऐसे लगाता है? अभी से लटकने लगे, कस के बांधो। जी ठीक है। हाँ, और वो दरिया कब आएंगी? वो लल्लू लेकर आता ही होगा। ओहो ये लल्लू भी। अरे जल्दी करो। ए गंगुआ। जी मालिक। अगर कोई घर में घुसने की कोशिश करे तो खत्म कर दो उसे। मैं नीला को लेकर आता हूँ। जी ठीक है। अभी आई। आप कौन? इस सज्जन को दुर्जन कहते हैं। मगर छोटे भैया तो घर पर नहीं है। मालूम है, मैं तो नीला को पीला करने आया हूँ। क्या मतलब? मतलब नीला की शादी भैरव से होगी, इसीलिए मैं उसे लेने आया। कुत्ते की तरह मत भौंक। नीला की शादी उसके साथ होगी जिससे वो प्यार करती है। चला जा यहाँ से, नहीं तो मेरे भैया तुझे जमीन में गाड़ देंगे। चल। मुझे देख के भाग रही है, बस कहां तक भागेगी। तू क्या लुका छुपी खेलना चाहती है? खेल खेल, मैंने तो बचपन में बहुत खेला था, आज फिर खेलते हैं। सोच रही होगी कि शायद तुझे बचाने के लिए तेरा बाप आएगा। वो ठाकुर है, असली ठाकुर। मरते मर जाएगा लेकिन तुझे बचाने के लिए नहीं आएगा। ठाकुरों को अपनी बेटी नहीं इज्जत प्यारी होती है। चल। सुनिए, आपने नीला की आवाज नहीं सुनी? वो गुंडे हमारी बेटी को उठा कर ले जा रहे हैं और आप खुद बंद कर बैठे हैं। कुछ तो कीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। हमारी बेटी को बचा लीजिए, हमारी बेटी को बच जाइए। मेरी बेटी मर चुकी है।
जिला और जिला। नीला को छोड़ दे नहीं तो काट कर फेंक दूंगी। लो मेंढकी को भी जुकाम हो गया। ये दुर्जन सिंह को सब्जी समझकर काटने आई है। ए, एक दो से लग जाएगा तो खून निकल आता है। तुझे तो अरे बिजली ये राजू कहाँ है? अरे वाह अरे मेरे शेर, तुम्ही ने तो सामान लेने शहर भेजा है, आता ही होगा। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था। ए किसी दिन इस बिजली को मत भूल जाना वरना ऐसा करंट मारूंगी कि जोर का झटका धीरे से लगे। काट डालूंगा। इतनी देर लगा दी, हद हो गई। अरे चलो चलो जल्दी चलो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, चलो। ये लो अभी आ रहे हैं। अरे चलो एक का काम करेगी भला। हाँ बिजली बचाओ, बिजली बचाओ मुझे। ए कमीनो रुको, बचाओ दीदी। दीदी देखो मैं सब सामान ले आया हूँ। दीदी दीदी ये क्या हो गया? दीदी नीला क्या हुआ? दुर्जन बड़ भैया, बड़ भैया। बाबूजी बाबूजी उस शराब के कॉन्ट्रैक्टर ने सीता दीदी को छुरा मार दिया है और वो आपकी बेटी को भी उठा कर लेकर गया है। वह सीता दीदी दम तोड़ रही है, मरने से पहले एक बार आपकी बहन आपसे मिलना चाहती है। खामोश, गोली मार दूंगा अगर उस नीच जात की लड़की को मेरी बहन कहा तो। निकल जाए ऐसे। धनिया इस नामुराद को धक्के मार के निकाल दो और इस जगह को गंगा जल से धो डालो। राजू फौरन डॉक्टर को लेकर आओ, मैं सीता को देखने आती हूं। पार्वती देर मत करो जाओ। माफ कीजिए ठाकुर साहब, पति परमेश्वर होता है यही समझकर मैं 20 साल तक खामोश रही, पत्थर बनकर जीती रही, लेकिन अब नहीं जीऊंगी मैं इस खंडर में जहां ना अपने भाई के लिए प्यार है, ना बहन के लिए दुलार, ना अपनी बेटी के लिए ममता है, ना ही पत्नी के लिए सम्मान। इस घर में इंसान तो क्या जानवर भी रहना पसंद नहीं करेगा। एक मैं ही बेवकूफ थी जो इतने सालों तक आपके जुल्म सहती रही और अपने देवर और ननद पर होते हुए जुल्म देखती रही। क्या गुनाह है मेरे देवर का? यही कि वो आपके पिता की दूसरी पत्नी का बेटा है, नीच जाति का है। ठाकुर साहब आप जिसे नीच समझते रहे उसी ने अपनी जान पर खेलकर आपकी बेटी की इज्जत बचाई है। बड़े सहता रहा वो लेकिन उसने अपनी जबान तक नहीं खोली ताकि आपका यह अहंकार भरा सर मिट्टी में न मिल जाए। मैं पूछती हूं नीच जाति का वो है या आप? और मेरी ननद का भी क्या गुनाह था जिसकी सगाई तुड़वा दी आपने, वो भी ये कहकर कि वो आपकी बहन नहीं बल्कि एक नीच जाति की औरत की बेटी है। उसी नीच जाति की मेरी ननद ने आपकी बेटी की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी है और अभी भी आपके दर्शन के लिए उसकी आंखें तरस रही है। तो बताइए मुझे नीच जाति की वो है या आप? जिस मासूम लड़के को आपने दुत्कार कर निकाल दिया उसका सिर्फ यही गुना था ना कि उसने आपकी बेटी से प्यार किया, लेकिन आपने तो जानबूझकर अपनी बेटी को एक अय्याश शराबी जुआरी के पल्ले बांध दिया। जिस जगह पर राजू खड़ा था आपने कहा कि उस जगह को गंगा जल से धो डालो, मगर जिस जगह पर आप खड़े हैं उस जगह को किस
धोएंगे। आज समाज को जात पात नहीं, इंसानियत चाहिए। जो इंसान दूसरों के दुख को अपना समझता है वही सच्चा इंसान है। जो लोग आपकी निगाह में नीच जाति के हैं, वही लोग मेरी निगाह में बहुत ही ऊंची जाति के और महान हैं। और मैं उनके पास जा रही हूं। आपके लिए तो आपकी बेटी मर ही गई है, तो समझ लीजिए आज से आपकी पत्नी भी आपके लिए मर गई। अरे डॉक्टर साहब, अरे वो नीला को गुंडे जबरदस्ती जीप में बैठा कर ले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब चलो चलिए। सीता, सीता ये क्या हो गया? भगवान, आंखें खोल मेरी बच्ची, आंखें खोल, ये क्या हो गया? भाभी, भाभू, मैं नीला को बचाने, भाभी, तेरे तुल भैया, भैया नहीं आए? नीला को दुर्जन सिंह जबरदस्ती उठा कर ले गया। जल्दी करो, जैसे ही लड़की आ जाए शादी की रस्म शुरू कर देना। अरे दुर्जन बाबू संभाल के, फूलों से भी नाजुक है मेरी होने वाली बहू। सीता, सीता देख तो कौन आया है? तेरे बड़े भैया आ गए। सीता, सीता देख, देख। भैया, अबे, मैं आ गया हूँ सीता। सीता, मेरी बहन। मेरे कमंड और मेरी जिद ने अपने ही खून को गलत समझा और उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। नहीं भैया, आप कैसे बात कर रहे? मुझे मेरे बड़े भैया मिल गए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अब मैं चैन से मर सकूंगी? नहीं नहीं मेरी बहन नहीं, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। अपनी जान देकर भी बचा लूंगा तुझे। ठाकुर साहब, इन्हें फौरन शहर का अस्पताल ले जाइए। चल चल मंगल मंगले शिव सर्वा शरणी त्रंबिके हरी नारायणी नमस्ते। Oh!
ठाकुर रघुवीर सिंह के भाई पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुझे? मर्द है तो कुछ परवार कर, हम दो नहीं एक है। कमीने! ठाकुर साहब, भगवान झूठा बोलवाए, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए। ठाकुर माफ नहीं करते, ठाकुर साफ कर देते हैं। भगवान झूठ ना बोलवाए। काट डालूंगा आज भी चल। अरे हट यहाँ से, तू भी। अरे चल इधर, अब और इंतजार नहीं होता। बड़े भैया हमें भी आशीर्वाद दीजिए ना। जी सर। अरे तुम, अरे चुप ना।